हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने मेरे लास्ट जो बैग का हॉल था उसको बहुत ज्यादा प्यार दिया और मेरे को देख के और ज्यादा मोटिवेशन आ गई है। आज का हॉल भी आपकी पसंद का हॉल है जो कि है किचन का हॉल। आप लोग की डिमांड के हिसाब से मैं किचन का हॉल शेड्यूल करती हूँ क्योंकि आप लोग किचन का हॉल बहुत पसंद करते हो। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ चाहिए होता है तो मेरे को कमेंट्स में लिख सकते हो कि आपको नेक्स्ट हॉल इस चीज का देखना है। तो आज का हम हॉल स्टार्ट हॉल की जो हमारी सबसे पहले आइटम है वो मैंने लिया है ऐसे वाला एक बाउल। जैसे ना हम लोगों को न्यूडल्स वगैरह खाना बहुत पसंद होता है तो हम कई प्लेट्स में डाल के खाते हैं, किसी भी बाउल में डाल के खा लेते हैं, लेकिन आपको अगर अच्छे से सर्व करके चीज खानी पसंद है तो उसके लिए काफी अच्छी आइटम है गाइस। और बहुत ही प्यारी है, अंदर से प्रॉपर आपको ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक की मिलेगी, अंदर से आपको ये स्टेनलेस स्टील की मिल रही है। और इसका लिड देखो, ऐसे वाला लिड मिल रहा है सी, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये कलर कॉम्बिनेशन। इसमें तीन दिखाए हुए हैं, आपको कोई भी रैंडम कलर सीन होगा तो काफी फनी सा लग रहा है। मतलब यहाँ पर लिखा फनी हुआ है ऊपर, ऐसा है कि अगर आपके बच्चे वगैरह खाना वगैरह नहीं खाते हैं तो ऐसे वाला अगर बाउल में उनको सर्व करोगे तो वो भी बड़े हैप्पीली वो खाएंगे और खाने में हमें भी मजा आएगा। मैं खुद, मेरे को ऐसा होता है कि यार अच्छे से कुछ भी है सर्व करके खाओ तो चीज अगर आंखों को अच्छी लगती है तो हमें खाने में भी मजा आता है। तो काफी अच्छी आइटम लगी मेरे को, कोई प्लास्टिक इसके अंदर यूज नहीं की हुई, स्टील इसके अंदर यूज की हुई है, देखने में काफी प्यारा सा है। प्लास्टिक जो बाहर उसकी है उसकी भी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है और इसका साइज भी काफी बड़ा है। मेरे को वहां पे देखने में लग रहा था कि साइज बहुत छोटा आएगा लेकिन साइज आप देखो काफी अच्छा खासा साइज है इसका। और जो मैंने इसकी कॉस्ट पे किया है 46 इसकी मैंने कॉस्ट पे किया। आप लोग साइज गाइस, जो मैंने नेक्स्ट आइटम मंगवाया ये तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल आइटम है। जो लोग अपने मतलब कि बॉडी को लेके अपनी सेहत को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस है उनके लिए मेरे को लग रहा है ये बेस्ट आइटम है। इसमें ना आपको वो मिलेंगे 12 शीट्स मिल रही है, मैं आपको दिखाती हूँ शीट्स कैसी है। एक सेकंड गाइस, आपको ना शीट्स मिल रहे हैं कुछ ऐसे वाले, ये आपको 12 शीट्स मिलेंगी। और सोचो इनका क्या काम होगा, जैसे आपने खाना बना लिया, आपकी ग्रेवी के ऊपर बहुत ऑयल है, जब कुछ लोग ऑयल खाना पसंद करते हैं ज्यादा, उनको मतलब फ्राइड चीज अच्छी लगती है, कुछ लोग नहीं खाना पसंद करते तो उनके लिए ये शीट काफी काम किया है। बने हुए खाने के ऊपर आप इसको ऐसे डाल सकते हो, सेंटर में आपको इसके ऐसा कट मिलेगा, आप इसको अपने ऑयल वाले खाने के ऊपर डालो और इसको पूरा डिप करने के बाद बाहर निकाल लो, जितना भी अपनी सब्जी के अंदर ऑयल होगा वो सारा इसके अंदर ऑब्जर्व कर लेगा। क्योंकि काफी अच्छी मेरे को चीज लगी है क्योंकि हम लोगों के घरों में ज्यादातर होता ही है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा ऑयल पसंद कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग सेहत को लेकर भी बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं, खाए ना खाए खाने का मन नहीं करता है, तो उसके लिए मेरे को काफी अच्छी लगी। और अगर मान लो ग्रेवी वाली चीज नहीं है, आप पकौड़े वगैरह खाना चाहते हो तो आप डायरेक्ट पकौड़े निकाल के इनके ऊपर रख सकते हो, पकौड़े जो भी होगा वो पूरा ऑयल ये अपने आप में खींच लेता है तो आपको कोई इशू नहीं होगा, आप पूरा ऑयल फ्री खाना खा सकते हो और टेस्ट भी इंजॉय कर सकते हो। और शीट मेरे को 12 मिली है और जो मैंने इनकी कॉस्ट पे किया ओनली 114 की मैंने कॉस्ट पे किया है, काफी अच्छी आइटम है, मस्ट ट्राई है। जो मैंने नेक्स्ट आइटम लिया है ये भी मेरे को बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल और अच्छी सी आइटम लगी। ये आपको सर्विंग प्लेट्स मिलेंगे, इसके अंदर आप चाहो तो बच्चों को लंच सर्व कर सकते हो, नहीं तो अपना जैसे समोसा कचौरी वगैरह घर पे आती है तो उसके लिए मेरे को काफी अच्छी आइटम लगी। यहाँ पे अपना केचप वगैरह डालो, यहाँ समोसा रखो तो आराम से खा सकते हो। और सेटअप मेरे को 3 रिसीव हुए हैं और क्वालिटी इनकी ऐसी थी, है तो प्लास्टिक है लेकिन अच्छी प्लास्टिक है, कोई ऐसा नहीं है, बच्चों के हाथ में दे सकते हो मतलब मेनली, ताकि वो गिराए तो ये ब्रेक होने का बिल्कुल चांस नहीं है। और कलर आपको इसके 3 ही रिसीव हुएंगे, मतलब अलग अलग तरीके के कलर रिसीव होंगे। और जो मैंने इसकी गाइस कॉस्ट पे किया, कॉस्ट इसकी ज्यादा नहीं थी, इसकी कॉस्ट मैंने पे किया ओनली 80 रुपीज मैंने पे किया, 80 रुपीज के हिसाब से मेरे को काफी अफोर्डेबल लगी और नॉन ब्रेकेबल भी है। तो फायदा जो मैंने नेक्स्ट आइटम लिया है वो लिया है ये ऑयल डिस्पेंसर, ये भी घरों में काफी जरूरत रहती है हमें, तो मेरे को था कि आप लोगों को दिखाती रहूं मैं ऐसी आइटम, ताकि आप लोगों के यूज की चीजें आपके पास आती रहे। और ये ना आपको 2-in-1 मिलेगा। 2-in-1 कैसे है, एक तो आप इसके अंदर असल ये बता देती हूँ, एक ग्लास की है प्रॉपर बनी हुई, जो इसका लेड है वो आपको ब्लैक मिलेगा, उसमें भी आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर वहां पे दिखाए हुए हैं, कोई भी रैंडम कलर आपको रिसीव होगा। यहाँ से ओपन करने के बाद आप इसके अंदर ऑयल वगैरह डाल सकते हो और ऐसे बंद करो इसको, और बंद करने के बाद गाइज आप इसको भी पीछे से ऐसे प्रेस करोगे ना तो यहाँ से आपका ऑयल आना जो स्प्रे होएगा, सिर्फ आपने किसी आइटम के ऊपर स्प्रे करना है, जैसे हम ऑयल से लगाते हैं ना, सॉरी स्पून से लगाते हैं ना, स्पून से काफी ज्यादा ऑयल लग जाता है, तो अगर यहाँ से आप ऐसे करके लगाओगे तो स्प्रे से बहुत ही कम क्वांटिटी में आपका परांठा वगैरह रेडी हो जाएगा, तो उसके लिए काफी अच्छा है। और जो दूसरा इसका यूज है, आप इसको यहाँ से ओपन करो, सेकंड गाइस सॉरी, ये ना बटन से प्रेस हो जाएगा, यहाँ से बटन से ओपन हो जाएगा, तो
तो यहाँ से अगर आपको ज्यादा ऑयल चाहिए किसी चीज के लिए, आपने किसी सब्जी वगैरह में डालना है, तो डायरेक्ट यहाँ से कुक कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर आपको ऐसे होल मिल जाएगा, ये आराम से बंद भी हो जाएगा, और कुकिंग करने के लिए आपको ये बटर प्रेस करना है। तो काफी अच्छी आइटम है ये भी मेरे को, और ग्लास लगी, और ग्लास भी है, और आप कम ऑयल भी इसके अंदर रख सकते हैं। और जो मैंने इसकी कॉस्ट पे किया है 216 मैंने इसकी कॉस्ट पे किया, डबल कुक के लिए काफी अच्छी आइटम है, ट्राई कर। जो मेरी नेक्स्ट आइटम है वो मंगवाई है मैंने फिर से एक चपाती बॉक्स, क्योंकि चपाती बॉक्स भी आप लोगों को बहुत जरूरत रहती है घर में, और आप पसंद भी बहुत करते हो। आप लोगों के मतलब के मेरे को रिस्पॉन्स से समझ आ जाता है कि आप लोग क्या चीज को ज्यादा लाइक कर रहे हो। और ये मैंने जो कलर मंगवाया है वो कलर बिल्कुल एक्यूरेट आया है, कलर को लेके कोई ऐसा नहीं है कि आपको डिफरेंट कलर रिसीव होगा। पैकिंग भी अच्छी खासे से इसकी पैकिंग आई थी, व्हाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, बिल्कुल सेम ही मेरे को पीस रिसीव हुआ है। ये ऐसा इसका लिड है ऊपर से, और अंदर आपको प्रॉपर स्टेनलेस स्टील का मिल जाएगा, और इसके अंदर क्वांटिटी भी काफी ज्यादा आ जाएगी। और बंद करके हम इसकी क्वालिटी चेक कर लेते हैं कि देखो ये ना बड़े आराम से बंद हो रहा है, कई बार क्या होता है ना ये वाले चपाती बॉक्स बड़े अड़कते हैं बंद करने में, तो फिर बहुत इशू रहता है। तो प्लास्टिक की क्वालिटी भी काफी अच्छी है, और जो मैंने इसकी कॉस्ट भी पे की है वो इसकी कॉस्ट पे की है जो वो है 250 कॉस्ट, तो 250 का चपाती बॉक्स काफी अच्छा है ट्राई कर। जो मैंने नेक्स्ट आइटम मंगवाई है वो मंगवाई है एक ऐप में बड़ी सारी आइटम, आप बताओ इसके अंदर क्या होगा। इसके अंदर गाइज हैं आपको लिए कंटेनर सारे भी एक ही साइज के आए हैं, और बहुत ही अच्छी इनकी क्वालिटी मेरे को लग रही थी वहां पे देखने में। और इसकी जो मैंने मतलब कि क्वांटिटी है वो आई है 12 पीस, और ये ना आपको अनब्रेकेबल मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात है ये मेड इन इंडिया है। और गाइज ये जी ऐसे आपको ब्लैक कलर का लिड मिलेगा, और सारे एक ही साइज के मिल रहे हैं, कोई डिफरेंट डिफरेंट साइज नहीं है। आपने अगर छोटे मोटे मसाले इसके अंदर रखने हैं तो रख सकते हो, या फिर छोटी मोटी आइटम वैसे कोई अंदर रखनी है तो रख सकते हो ट्रैवल के लिए, कभी इधर उधर कोई चीज लेके आनी है उसके लिए भी काफी अच्छी है। मैं प्रॉपर एयर टाइट तो नहीं बोलूंगी, इवन कि इसके अंदर ये प्लास्टिक वगैरह लगी हुई है, तो लेकिन मेरे को लग नहीं रहा कि इस मतलब ऐसे यूज करने में कोई चीज इसके अंदर खराब होगी, क्योंकि ऐसे बड़ा टाइट से बंद हो रहा है। मतलब फिर मेरे को डाउट है कि हो सकता है इसके अंदर सीलन चली जाए। तो वैसे इनकी जो मैंने कॉस्ट पे किया 396 पे किया, 396 के हिसाब से बिल्कुल भी कॉस्ट ज्यादा नहीं है, 12 पीस मेरे को रिसीव हुए हैं। क्वालिटी प्लास्टिक की अच्छी है, अगर आप लोग घर पे किचन में यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, इशू वैसे कोई नहीं। जो नेक्स्ट आइटम मैंने मंगवाई है वो है ये मैंने मंगवाई तो किचन के काफी अच्छे खासे यूज के लिए थी, जैसे हम लोग मतलब कि गैस के ऊपर से सामान उतारते हैं गर्म, तो वो उसके लिए कपड़ा वगैरह यूज करते हैं तो वो इतना सेफ नहीं होता, तो उसके लिए मैंने ये आइटम मंगवाई थी। ये पीछे से आपका ऐसे ओपन होएगा, ओपन होने के बाद आप इसके साथ ऐसे आइटम खा सकते हो। गाइज ये मेरे को देखने में तो अच्छी लग रही थी आइटम, लेकिन मेरे को ये उतनी अच्छी लगी तो मैं ऐसे पकड़ते देख रही हूँ इतनी अच्छी ग्रिप नहीं बन रही है। ऑब्वियसली बात है किचन पे कोई आपने इसके लिए इसको यूज करना है तो आइटम के अंदर कुछ ना कुछ तो होगा, चाय बना लो या पानी रखा अगर तो इसके साथ उठाओगे तो मेरे को ये सेफ नहीं लग रहा। तो ये आइटम मेरे को लग नहीं रहा इतनी वर्थ इट है, अगर हाँ थोड़ा बहुत सामान उतारना हल्का फुल्का तो उसके लिए ठीक है, उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो। कॉस्ट वैसे इसकी ज्यादा नहीं है, कॉस्ट मैंने इसका पे किया है वो है ओनली 150, बट अगर आप इसका भारी सामान नहीं उठाना मतलब आपको किसी में से भारी सामान के लिए चाहिए ना तो ये यूजफुल नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। जो मैंने नेक्स्ट आइटम मंगवाई है वो मंगवाया है एक स्टैंड जो कि आयरन का है, ये काफी यूजफुल है किचन के लिए। जैसे हम अपने किचन के में चाय वाले कप वगैरह रखते हैं ना तो इधर उधर रख देते हैं, जब ऐसे मतलब के दूसरे स्टैंड पे रखते हैं लगे हुए अच्छे भी लगे किचन में, वैसा ये एक स्टैंड है। आप चाय वाले किचन में देखना कि कैसे ये यूज किया जाएगा, आपको ऐसे पहले तो ये आयरन का ऐसे वाला स्टैंड मिल जाएगा, इसके साथ आपको ये सारे प्लगिंग के लगाने पड़ेंगे, प्लगिंग करने पड़ेंगे खुद से। मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसे क्या रहेगा। इसके साथ जो मिले हैं मेरे को ऐसे बहुत सारे मतलब साथ में लगाने के लिए मिले हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे है ये भी आपको प्रॉपर आयरन के ही मिल रहे हैं। और गाइज इनको ना ये वाली चीज बॉल पे हैंग करने के लिए भी साथ में आपको सारे नेल्स वगैरह मिलेंगे, और आपको ना ये चीज आपको छोटे और बड़े सारे ही स्टैंड इसमें आपको रिसीव होंगे। ये मतलब कि बहुत ही इजी है लगाने, आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे करके लगाने हैं और बहुत सारे पीसेस के साथ आपको रिसीव होंगे। ये किचन की वॉल पे आप ऐसे हैंग करोगे, इनके अंदर आप मग वगैरह टांग सकते हो, जब कोई और आइटम टांगे हैं यहाँ पे टांग सकते हो। ये सिर्फ आपको 5 नहीं 6 7 8 आपको रिसीव होंगे यहाँ पे लगाने के लिए, नेल्स भी आपको साथ में मिले हैं। काफी अच्छी आइटम है, लगेगी किचन में अच्छी भी लगेगी, आप साइड वाली फोटो में भी देख लेना इसको। और जो इसकी भी मैंने कॉस्ट पे की है, इसके लिए जो मैंने कॉस्ट पे किया ओनली
208 रुपीज मैंने पे किया है, क्वालिटी काफी अच्छी है, यूजफुल आइटम है। ट्राई कर जो गाइस ने नेक्स्ट आइटम मंगवाई है वो भी आपके, मैंने काफी यूजफुल सी आइटम मंगवाई है, आप लोगों को पसंद आएगी। आपको पहले इसकी मैं पैकिंग दिखा देती हूँ। ऐसे इसकी पैकिंग आई थी, बिल्कुल भी ब्रेक होने का कोई चांस ही नहीं है। वैसे मीशो में कोई चीज ब्रेक हो जाए वो डिफरेंट चीज है, बट मेरे को लगता है कि मीशो से कोई चीज ब्रेक होके आती है आजकल, क्योंकि पैक काफी अच्छे से करने लग गया। सारा डोर ही उन्होंने पैकिंग पे लगा दिया मेरे हिसाब से। तो ये आपको ऐसे दो बाउल रिसीव होंगे, ऐसे कलर कॉम्बिनेशन आप देख लो। आई थिंक कलर वहां पे और भी थे लेकिन मेरे को यही कलर अच्छा लगा था तो मैंने यही मंगवा लिया। इसके ऊपर ये स्क्रैच वगैरह कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का से वाइपर है वो लगा हुआ है, कहीं आपको यहाँ पे देखने लगे कि स्क्रैच है, स्क्रैच बिल्कुल भी नहीं आया, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आया है। ये भी आपको सर्विंग करने के लिए कुछ भी अगर आपको सर्व करने है, पास्ता सर्व करना है, तो उसके लिए काफी अच्छे से काम आएंगे। मेरे को तो ऐसे मतलब कि खाने को डेकोरेट करके अच्छी सी चीज में सर्व करके खाना बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप लोग भी वैसे ही वो वैसे भी दर्द नहीं हो जाएगा, मेहमान को सर्व करना है तो भी काम आ जाएगा, लेकिन आप उसके लिए भी इसको ले सकते हो। और जो मैंने कॉस्ट पे किया, कॉस्ट पे किया 340 मैंने, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा। मैंने नेक्स्ट आइटम मंगवाई है, ये भी हमारे किचन के लिए काफी अच्छी आइटम है और सुंदर भी मेरे को लगी, इसलिए मैंने इसको भी ऑर्डर कर लिया। ये एक आपको स्टैंड मिलेगा जो कि वुडन का बना हुआ है, इसके प्रिंट्स देखो सामने से, ऐसे आपको इसके प्रिंट मिलेंगे, बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग आई है इसकी। इसका वुड का क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छा है, पूरी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आगे ऐसे रखोगे आगे के लिए पूरी, जैसे सनमाइका लगा होता है ना, सनमाइका जब आप समझते हो, तो वो वाली चीज यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ पे आपको टिश्यू पेपर भी अलग से रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपके टिश्यू आ जाएंगे, यहाँ पे अपने स्पून रख सकते हो, यहाँ पे मतलब के कोई जैसे फॉग रखती है, जब भी अलग अलग से चीजें, तीन पार्टीशन बनी हुई है, जैसे देखो 3 पार्टीशन में ये डिवाइड है। आगे आपके यहाँ पे मैंने बताई दिया कि आगे यहाँ पे टिश्यू पेपर भी आ जाएंगे, उसके लिए आपको अलग से आइटम रखनी नहीं पड़ेगी। और क्वालिटी भी काफी मस्त है, क्वालिटी के लिए क्योंकि काफी कोई कंप्रोमाइज नहीं है। डाइनिंग टेबल पे भी आप इसको सजा सकते हो, किचन में तो रख ही सकते हो। और जो इतनी कॉस्ट पे किया 380 कॉस्ट पे की है, मतलब कि ऐसा है मतलब कि आप इसको किचन में भी रखो, डाइनिंग टेबल पे रखो, हर जगह रखा हुआ अच्छा ही लगेगा, तो इसको भी आप ट्राई करें। जो मैंने नेक्स्ट आइटम दिया है ये मेरे किचन के लिए स्टैंड, स्टैंड तो मेरे को लगता है, मेरे को खुद को भी लगता है कि मेरे हर हॉल में होने ही चाहिए, क्योंकि ये काफी यूजफुल रहते हैं, घर में स्पेस कम है तब भी काफी यूजफुल रहते हैं। और अगर आपका घर रेंट पे है, आप कुछ नहीं करवा सकते, तो उसके लिए भी काफी यूजफुल है। ये आप दीवार पे भी लगा सकते हो, बैक साइड पे आपको ऐसे दो नेल्स मिल जाएंगे, मतलब हुक्स मिल जाएंगे, यहाँ पे इनको आप टांग सकते हो, यहाँ पे टांगना चाहते हो, इसमें आप अपने प्लेट्स वगैरह रख सकते हो। सॉरी गाइस, आई थिंक ये ऐसे आएगा, हाँ ये ऐसे आएगा, यहाँ पे अपने प्लेट्स रख सकते हो, छोटी मोटी आइटम्स आप आगे लगाना चाहते हो लगा सकते हो। यहाँ पे अगर आपको कुछ टांगना है, अगर आपको स्पून टांगने हैं बड़े वाले, आपको पर्चे वगैरह टांगने हैं, इवन की कप वगैरह टांगने हैं, तो आपका यहाँ पे सारा आइटम्स आ जाएंगी। और स्टील की क्वालिटी भी अच्छी है, एफएमई स्टील की क्वालिटी पूरी है। दीवार पे टांग के रखोगे आपका प्लेटफॉर्म बिल्कुल क्लीन रहेगा, तो उनके लिए ये काफी अच्छी आइटम लगती है। और प्लेट्स भी यहाँ पे मेरे को लग रहा है 12 प्लेट्स की आई जानी है, तो ये भी मेरे को काफी अच्छी आइटम लगी, इसलिए मैंने ऐड कर ली इसको। और जो मैंने इसकी कॉस्ट पे की, ज्यादा कॉस्ट नहीं है गाइस, ओनली 280 का मैंने ये लिया है, और क्वालिटी वगैरह सब ऑसम। जो मैंने नेक्स्ट आइटम लिया है वो एक ऑन स्टैंड लिया है। ये स्टैंड ना मैंने मतलब जैसे स्टार्टिंग मैंने यूट्यूब से देखना शुरू किया था ना, तब मैंने बहुत लोगों को ना घर पे ही बनाते हुए ये आइटम देखा है। लोग बोलते हैं कि मतलब कि ऐसे डेकोर में वो पेपर कार्डबोर्ड से बनाते हैं कि ऐसे सेल्फ, तो उसको मैंने जब देखा ना कि आपको स्टील में भी रिसीव हो रहा है, तो मैंने फटाफट से ऑर्डर कर लिया कि आपकी मेहनत भी बच जाएगी और ऐसा भी रहेगा कि वो कुछ टाइम ही चलेगा और खराब हो जाएगा। तो ये मेरे को काफी अच्छी आइटम लगी। जैसे आप लोगों के घर में कैबिनेट वगैरह बड़े होते हैं ना किचन में, तो हम क्या करते हैं आगे चीज रखती होती है ना, तो पीछे की चीजें दिखती नहीं है हमें कि इसमें क्या रखा हुआ है, तो उसके लिए काफी अच्छा आप इसको अंदर लगाओ और अपने हिसाब से जैसे सबसे छोटी चीज ऊपर नीचे ऐसे करके प्लेस कर सकते हो। हाइट ऐसी रहेगी तो आपको हर पीछे रख के आइटम दिखेगी कि उसमें क्या लगा हुआ है। तो क्वालिटी मतलब इतनी ऑप्शन है, बहुत ही ज्यादा हैवी सा ये स्टैंड है, मतलब जहां पे रखोगे रखा ही जाएगा। अगर आपको कैबिनेट नहीं बने हुए हैं तो आप अगर इसको प्लेटफॉर्म पे भी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, काफी ज्यादा इसके ऊपर आपके कंटेनर्स आ जाएंगे और स्पेस भी बहुत ही ज्यादा कम घेरेगा ये, तो काफी मेरे को यूजफुल सी आइटम लगी है। और मतलब की क्वालिटी के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, मस्ट बाय मेरे को ये चीज लग रही है। और कॉस्ट मैंने इसकी पे किया 466 का कॉस्ट पे किया, कॉस्ट के हिसाब से भी ये अच्छी है बिकॉज काफी ज्यादा क्वालिटी अच्छी। अब भाई जो मैंने नेक्स्ट आइटम लिया है ये फिर से आप लोगों के फेवरेट आइटम है जो मैं हर हॉल में एड करती हूँ, वो है
हमारे सिले वाले मर्द और उनकी पैटर्न में आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले की पैटर्न है लिया सीला, ऐसी पैटर्न है कि ग्रेटर का कोई चांस नहीं है। मैं आपको बार बार बोलती हूँ और जो मेरे को पीसेस के अंदर रिसीव हुए हैं वो सिक्स रिसीव हुआ है, टाइप ऑफ सिक्स का मेरे को रिसीव हुआ है ये। और मैं ये भी कोशिश करती हूँ यहाँ पे मस्त मेरे को ओपन करती मिल जाती है। मेरा कैसे हो जाता है कि मैं कुछ डिफरेंट का डिजाइन लेके आऊँ, आपको पहले मतलब कि वो कहीं पे ऐसे देखा ना हो या फिर कुछ तो नहीं आ रही। तो एक तरीके से आप देखो इसके अंदर आपको तीन कलर मिल जाएंगे, नीचे व्हाइट है, ये हल्का सा स्काई है, ऊपर ग्रे मिल जाएगा। काफी प्यारा लग रहा है, मतलब कि ऐसे कॉफी टाइप का मग लग रहा है। इनके कलर कॉम्बिनेशन को देख के चाय की कॉफी की फीलिंग आती है, तो काफी प्यारे से मेरे को ये मग लगे। और ये मतलब क्वालिटी वगैरह अच्छी है, प्रिंट्स मतलब प्रिंट्स से है जो भी है, तो काफी प्यारा लगा हुआ ये भी। तो आप मतलब शेप इनकी नई सी है, ऐसा नहीं पुरानी सी शेप है, डिजाइन भी नहीं आता है, तो आप लोग ले सकते हो। काफी ज्यादा अच्छी आइटम है और जो मैंने इनकी कॉस्ट पे किया है 340 इनकी कॉस्ट है, मस्ट ट्राई। और गाइड मैं आप लोगों के लिए भी कुछ नया नया ट्राई करने की कोशिश करती हूँ। लास्ट में मंत्रा का हॉल भी डाला था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा प्लीज उसको जाके जरूर देखें। मैं मेरी कोशिश मेरे को ऐसे रहता है कि मैं आपको अच्छी से अच्छी चीज दिखाऊं और कम कॉस्ट में दिखाऊं, तो उसी लिए मैंने मंत्रा का हॉल ऐड किया था। लेकिन अभी आप लोगों ने इतना नहीं देखा, शायद आप लोगों ने मिस कर दिया, तो जाकर उसको देख लेना। और आगे भी मैं आपके लिए कुछ और नए नए ब्रांड्स लाने की कोशिश करूंगी, आप लोग देखते रहना। वीडियो ऐसे आते रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।